गाइस कैसे हैं आप सब, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और फ्रेंड्स, और आज का टॉपिक है कि हैंगिंग प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो बताऊंगी। और गाइस, मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी M52 एंड आइए शुरू करते हैं। और गाइस, इसमें जो लैग करता है आपका फ़ोन 2-3 मिनट पे ज़्यादा लैग कर रहा है, तो वो 4 टिप्स बताऊंगी आपको, सिर्फ 4 सेटिंग वही करना है आपको, और उसके बाद जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और 100% वर्क करेगा गाइस। और गाइस, अगर आपका तब भी वर्क नहीं करता तो मेरे एडवाइस है आपको, आपको न्यू फ़ोन ले लेना चाहिए गाइस। एंड आइए शुरू करते हैं। तो इस तरीके से अगर आपका स्लाइडिंग नहीं हो रहा है और कोई ऐप ओपन नहीं हो रहा है या फिर स्क्रीन स्लो चल रहा है, तो वो प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो बताऊंगी। तो पहली बात तो ये हैंगिंग प्रॉब्लम तब होता है जब आपके फुल स्टोरेज होता है। तो स्टोरेज और ज़्यादा MB के जो गेम होते हैं उसे डाउनलोड ना करें, जैसे फ्री फायर, पबजी, ये सब ना ही डाउनलोड करें ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इससे जो फ़ोन है वो हैंग और होता है। देख सकते हैं इसमें फ्री फायर डाउनलोड थोड़ा, अभी तो न्यू फ़ोन है इसलिए हैंग नहीं कर रहा है गाइस। उसके बाद थोड़े समय बाद देखेंगे तो हैंग करना शुरू हो जाता है गाइस ये। और तो ये ज़्यादा जो फालतू ऐप्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो आप अनइंस्टॉल करते जाएंगे इस तरीके से, जैसे कि ऐप मैं कर रही हूँ और इस तरीके से ऐप मतलब अनइंस्टॉल, इस तरीके से स्नैपचैट है जैसे कि डाउनलोड है, तो उसे हम इसको प्रेस करके रखेंगे और अनइंस्टॉल यहाँ से कर देंगे, इस तरीके से ओके पे क्लिक कर देंगे और इस तरीके से अनइंस्टॉल कर देंगे। जो ऐप है वो अनइंस्टॉल करें, जो फालतू ऐप्स यहाँ पे भरे हुए हैं वो सभी ऐप अनइंस्टॉल करेंगे। और सेकेंड है, ये तो हमारे फर्स्ट टिप्स, और सेकेंड टिप्स है कि आपका जो अगर आप थोड़ा बहुत हैंग करता है फ़ोन, तो उसके लिए आपको फ़ोन को ऐसे पावर बटन को और वॉल्यूम बटन को प्रेस करके रखेंगे एक साथ इस तरीके से। और इसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन आएगा पावर बटन एंड रीसेट करने का और इस तरीके से। तो आप पावर अगर ज़्यादा फ़ोन मतलब जैसे कि अगर आपने पबजी डाल मतलब डिलीट नहीं करना है या फिर फ्री फायर, तो आप इसको थोड़ी देर फ़ोन को स्विच ऑफ करके रखते हैं तो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है तभी भी। एंड या फिर रीस्टार्ट तब करते हैं जब आपका थोड़ा बहुत हैंग करा हो, फ़ोन गर्म नहीं हो, मतलब थोड़ा बहुत लैग करो हो, तब जाके आप रीस्टार्ट करते हैं फ़ोन को, तो आपको जो फ़ोन है और जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है रीस्टार्ट करने से। एंड रीस्टार्ट यानी कि फ़ोन स्विच ऑफ होकर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। अगर पावर ऑफ़ करके रखते हैं तो पावर ऑफ़ करेंगे और उसके बाद आपको ऑटोमेटिक ऑन नहीं होगा, आपको ऑन करना पड़ेगा और मतलब पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे तो आपका ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। बट मैंने कर रही अभी इसे, एंड इस तरीके से आप कर सकते हैं यहाँ से उसको प्रेस करके, एंड और तुरंत आप फोन को रीस्टार्ट करके दोबारा करते हैं जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। अगर सेटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए आपको इस तरीके से नोटिफिकेशन स्क्रॉल मतलब स्क्रॉल करेंगे एंड उसकी सेटिंग में जाएंगे, और इसके बाद आपको यहाँ जाना है, आप इस पर क्लिक करेंगे जनरल मैनेजमेंट पर, और इसके बाद आपको यहाँ मिलता है रीसेट रीसेट करने का ऑप्शन एंड आप इस पर क्लिक कर देंगे, और इसके बाद आपको यहाँ दिखता है रीसेट ऑल सेटिंग। अगर आपको लगता है सेटिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आप सेटिंग में जाकर यहाँ से रीसेट कर देते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बट इस पर क्लिक करने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा, अगर इसमें आपका अकाउंट है और पर्सनल डाटा है और लैंग्वेज, ये सब चीज़ें जो है वो हर एक चीज़ आपके फ़ोन से हर तक या फिर सभी चीज़ें दूसरे फ़ोन में शेयर करके तो आप रीसेट कर सकते हैं। एंड और यहाँ दिखता है रीसेट नेटवर्क सेटिंग, अगर आपको लगता है कि नेटवर्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है यहाँ से रीसेट कर देते हैं, स्क्रीन ड्रॉ कर लेंगे फिर से रीसेट कर देंगे, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है नेटवर्क से रिलेटेड। एंड इन्हें रीसेट करने से आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा गाइस, बस जो डिस्कनेक्ट होते हैं नेटवर्क से रिलेटेड वो दोबारा से कनेक्ट करते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, कनेक्ट भी हो जाता है गाइस। और लास्ट में यह दिखता है फैक्ट्री डाटा रीसेट, और फ्रेंड्स और इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से आप रीसेट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे रीसेट करने से आपका जो भी प्रॉब्लम होता है, जितना भी बड़ा लैग प्रॉब्लम हो, वो सॉल्व हो जाएगा गाइस, 100% आपको सॉल्व होगा अगर आपका और यहाँ से एक बार रीसेट कर देते हैं फ़ोन को रीसेट करना, यानी कि फैक्ट्री रीसेट का मतलब होता है फ़ोन को रीसेट करना। एंड इस पर क्लिक करते आपका जो है फ़ोन रीसेट हो जाएगा। बट इस पर क्लिक करने से पहले आपको इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका इसमें योर गूगल अकाउंट है, डाउनलोड ऐप्स, म्यूज़िक, फ़ोटोज़, अदर डाटा है आपके फ़ोन में, तो ये सब चीज़ें आपके फ़ोन से हट जाएगा गाइस। अगर एक बार हट गया तो वो सब चीज़ें वो मतलब कुछ भी चीज़ें आपके फ़ोन में वापस नहीं आएगा,
या फिर आप दूसरे फ़ोन में शेयर करके आप रीसेट कर सकते हैं फ़ोन को। एंड फ़ोन को रीसेट करने से आपका 100% लैग प्रॉब्लम वो जो है लैग प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाता है। अगर आप इसी तरीके से मतलब कि ठीक करवाने जाते हैं कई फ़ोन सेंटर के पास मतलब कहीं भी, तो आप वो जो 500 से या फिर 1000 ऐसे कुछ पैसे ले लेते हैं, तो आप घर बैठे ही आप यहाँ से फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं। अगर ओपन करना हो तो इस तरीके से पावर बटन वॉल्यूम बटन को इन दोनों को या फिर ऐसे प्रेस करके रखें जैसे। और अगर इसका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताना कि फैक्ट्री से अगर आपका फ़ोन रीसेट हो जाता है तो आप उसे कैसे ओपन करते हैं, वो आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगी गाइस। एंड टैपलॉपर ऑप्शन से तो आप इसके लिए आपको सेटिंग ऐप ओपन करना है। एंड लास्ट में आपको यहाँ दिखता है टैपलॉपर ऑप्शन एंड इस पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ दिखता है इस प्रकार से ऑफ है तो ऑन कर लेंगे एंड ओके पे क्लिक करते तो आपको ऑन हो जाता है। और फ्रेंड्स ये आप सोच रहे हैं डेवलप ऑप्शन आपका कैसे आया मेरे में, तो जैसे यहाँ से मैं ऑफ करते हो बैक करते हो जो डेवलप ऑप्शन है वो जा चुका है। तो वापस सेटअप करने के लिए आपको अबाउट फोन पे क्लिक करना है एंड इसके बाद आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है एंड यहीं पर आपको देखने को मिलता है बिल्ड नंबर एंड आप उस पर 3-4 बार इस तरीके से क्लिक करते रहेंगे। और इसके बाद स्क्रीन लॉक जो भी लगा रखे इसे ड्रॉ कर देंगे, स्क्रीन लॉक ड्रॉ करने का ऑप्शन आता है एंड इसके बाद बैक करेंगे। और बैक करने के बाद दोबारा स्क्रॉल करते हो ऊपर की साइड तो आप देख सकते हो यहाँ डेवलप ऑप्शन जो है वो दोबारा से सेटअप हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन डेवलप ऑप्शन में जाएंगे एंड ऊपर की स्क्रॉल करेंगे ऊपर की साइड थोड़ा सा, तो यहीं पर आपको देखिएगा एक विंडो एनिमेशन एंड आप उस पर क्लिक करेंगे। तो हम और ऊपर स्क्रॉल करेंगे धीरे धीरे, तो अब ऐसे धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे तब आपको ऑप्शन दिख जाएगा ये हमारा विंडो animations एंड इससे जाएंगे। और इसके बाद इस तरीके से यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं या फिर 5x ऐसे रख सकते हैं। इसे ऑफ़ करने से आपका जो वो जो भी हैंगिंग प्रॉब्लम होता है लैग प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। इसे ऑफ़ कर लेंगे ट्रांसलेशन एंड एनिमेटर्स एंड इसे भी ऑफ़ करके रखेंगे। अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, पहले से तो 1x ही दिए जाता है इसमें गाइस एंड 1x ज़्यादा बेटर होता है चलेगा। और 1x पे रखते हैं तो स्क्रीन जो है मक्खन की तरह इतना स्मूथ चलेगा। तो इस तरीके से आप इन तीनों को ऑफ़ करके रख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा हैंग कर रहा हो तब, एंड या फिर 1x रखेंगे जब थोड़ा बहुत कर रहा हो हैंग। और पर स्क्रॉल करते थोड़ा सा और तो आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखेगा वो है हमारा और पर स्क्रॉल करेंगे ये रहा डोंट कीप एक्टिविटीज़। अगर इसे ऑन कर लेते हैं जो भी प्रॉब्लम होता है लैग प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो जाता है इसे ऑन करने से। ऑफ है तो ऑन कर लेंगे तुरंत। और यहीं पे आपको दिखता है बैकग्राउंड और वेकअप मतलब बैकग्राउंड प्रोसेसर लिमिट एंड इस पर क्लिक करेंगे। इसको आप रख लेंगे तो 4 पे, तो आप 4 पे रख लेंगे इस तरीके से। तो आपका 4 प्रोसेसर रखते हैं तो जो लैग प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाता है इसे 4 पे रखने से। बट मैं अभी इस पे रख रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से आप इस पे रख लेंगे यार पे एंड उसके बाद इसे होम कर देंगे। बस इसमें यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एंड इसे होम कर देंगे तो इससे कि जो भी लैग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। और गाइस एक लास्ट बता देती हूँ, वो है हमारा डॉक्टर प्लस ऐप, यानी कि आपका एक ऐप होता है जो वो ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। अभी अकाउंट लॉग इन नहीं है मेरे गाइस, तो फ्रेंड्स आप यहाँ से ऐप डाउनलोड करेंगे डॉक्टर प्लस ऐप है उस नाम ऐप का नाम। तो वहाँ से जो भी प्रॉब्लम होता है लैग प्रॉब्लम और होम स्क्रीन प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है डॉक्टर प्लस ऐप को डाउनलोड करने से। और जो भी उसको यूज़ करना सीखना है तो आप यूट्यूब भी सर्च करके उसके बारे में जान सकते हैं, और भी जानकारी चाहिए तो उसकी उस ऐप के बारे में। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में लैग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी मैंने टिप्स बताए हैं आपको गाइज वो सभी टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो 100% आपका लैग प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाता है। अगर आपको तब भी नहीं होता है गाइज तो मेरी एक ही सलाह होगी न्यू फ़ोन ले लें, तो मेरी यही एडवाइस होगी आप न्यू फ़ोन खरीद लें। तो फ्रेंड्स और तो ये जो मैंने आपको टिप्स बताई वो 100% वर्क करते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में हैंगिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं गाइज। गाइज वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना गाइज। और मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।